चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सक्सेस के लिए पहचाने जाने वाला कोटा शहर एक बार फिर से कोचिंग स्टूडेंट के बढ़ते सुसाइड मामलों को लेकर के सुर्खियों में है। क्या कारण है, वजह क्या है, जरा आंकड़ों के जरिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कहते हैं कोटा शहर सपने बेचता है, सपना आईआईटी का और सपना मेडिकल का, एक लग्जरियस लाइफ और सुनहरे भविष्य का, और इसी भविष्य को संवारने के लिए यहाँ लाखों की तादाद में बच्चे आते हैं। लेकिन जिस तरह से ज़रा सा डर जो बच्चों में हो जाता है सपने के टूटने का, तो वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। बड़ी वजह जो सामने आ रही है उसमें तनाव सामने आ रहा है, तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और गाइडलाइन भी जो जारी की गई है उस गाइडलाइन की पालना कितनी की जा रही है, आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि एंटी एंगिंग डिवाइस जिसके लिए केंद्र सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है उसकी सत्यता क्या है, और कितने हॉस्टल्स और कितने कमरों में ये अब तक लगाया जा चुका है, और क्यों एक ही कंपनी इसको लगाने का काम कर रही है, क्या एक कंपनी इतने कम समय में तमाम हॉस्टल्स पीजी को कवर कर पाएगी, इन हादसों को रोकने में जो डिवाइस काम आ रहा है उसमें क्यों देरी की जा रही है, इन तमाम पहलुओं पर इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं कोटा के उस इलाके में जहां पर देश भर से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे हॉस्टल्स भी हैं, पीजी भी हैं, तो कई सारे बच्चे किराए के कमरों में भी रहते हैं। कितनी सुरक्षा उनकी यहां पर हो रही है और कितनी गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है और कितनी सख्ती उसमें बरती जा रही है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। कोटा में हर साल देश भर से करीब 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं। शहर की इकोनॉमी कोचिंग स्टूडेंट पर टिकी है। करीब 3500 हॉस्टल और पीजी में 2.25 लाख कमरे हैं। इसमें से करीब 70,000 कमरे पीजी के हैं, जिनका ना तो कोई आधिकारिक संगठन है और ना ही इनकी मॉनिटरिंग के लिए कोई ठोस इंतजाम है। हॉस्टल्स एसोसिएशन का कहना है कि कोटा में मौजूद हॉस्टल्स में से 80% से ज्यादा हॉस्टल में गाइडलाइन की पालना के तहत एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जा चुके हैं, लेकिन पीजी संचालक संख्या में बहुत ज्यादा हैं और 70,000 के करीब कोटा में कमरे हैं जहां पर पीजी का संचालन हो रहा है। हाल ही में हुए कोचिंग स्टूडेंट के सुसाइड मामलों में पीजी में रह रहे बच्चों के मामले ज्यादा सामने आए हैं। एनडीटीवी ने जब हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। कोटा में एक बार फिर बढ़ते सुसाइड मामलों के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और जो गाइडलाइन है उसकी पालना किस हद तक हो रही है, इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें भी कहा गया है कि एंटी हैंगिंग डिवाइस को अनिवार्यता के साथ लगाया जाए, लेकिन अभी भी कई सारे हॉस्टल्स और कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर जो है डिवाइस नहीं लगाए गए हैं। हाल ही में जिस तरह के मामले सामने आए वहाँ पर कार्रवाइयाँ जरूर हुई है, हॉस्टल को सीज किया गया है और मकान मालिकों को, हॉस्टल संचालकों को जो है नोटिस जारी किए गए हैं। हॉस्टल एसोसिएशन भी लगातार इस पूरे मामले में सजगता बरतती है, लेकिन कितना अब तक कोटा में कितने हॉस्टल हैं, कितने कमरे हैं और उनमें से कितने कमरों में जो है एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाया जा चुका है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं नवीन मित्तल जी। नवीन जी, जब भी कोई सुसाइड होता है तो फिर वापस से यही बात सामने आती है और एंटी हैंगिंग डिवाइस अभी भी प्रॉपर नहीं लगे हैं। आप लोग, आप क्या मानते हैं कितने हॉस्टल हैं, कितने कमरे हैं और उनमें से कितनों में जो है ये डिवाइस लग चुका है? लगभग कोटा शहर के अंदर 3,500 से ज़्यादा हॉस्टल्स हैं और लगभग 2.25 लाख कमरे हैं इस हॉस्टल्स के अंदर। मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 80% से 85% कमरों में तो हम लोग एंटी हैंगिंग डिवाइस लगा चुके हैं। कहीं ना कहीं कमी भी रहती है इन डिवाइस की, कितनी बार डिवाइस अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि जो डिवाइस यहाँ पर सप्लाई करता है इन सभी हॉस्टल के अंदर उसका भारत सरकार से पेटेंट उसने करवा रखा है, तो उस पेटेंट के चक्कर में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भी हम लोग कितनी बार दूसरे जो सप्लायर हैं उनसे हम लोग डिवाइस नहीं ले पाते, क्योंकि आमतौर पर हमने देखे हैं कितनी बार पंखा चलते चलते अचानक भी गिरा है, तो एक डर मन में रहता है कि यदि उस पंखे के गिरने से अचानक किसी छात्र के अगर चोट लगती लग जाती है तो भी एक दिक्कत वाला काम है। सप्लाई बढ़ाने के लिए लगातार हमारी मुंबई का जो सप्लायर है उससे बात चलती रहती है, वो लगातार सप्लाई भी बढ़ा रहा है यहाँ पर।
लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू भी है कि लगभग 60 से 70 हज़ार कमरे जो हैं वो पीजी के अंदर भी हैं, जिसमें मकान मालिक नीचे रहता है और ऊपर उसके 10-12 कमरे उसके रहते हैं। वहाँ जो ये दिक्कत आ रही है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस हॉस्टल में, तो हम लोग अपने एसोसिएशन द्वारा मीटिंग करके उन लोगों तक बात को पहुँचा देते हैं, लेकिन पीजी की कोई भी इस तरह की एसोसिएशन नहीं बनी हुई है, ना वो हमारे साथ रजिस्टर्ड मेम्बर्स हैं, और पीजी बहुसंख्यक होने के कारण वहाँ तक गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। और अभी भी आप लोगों ने देखा होगा जो अभी पिछले कुछ केस जो आए वो पीजी में केस हुए हैं इस तरह के, और वहाँ तक यदि पंखों पे ये अगर ये लग जाए रॉड्स, तो काफ़ी हद तक हम उन बच्चों को इस चीज़ से बचा सकते हैं वो। और हमने डिवाइस को लगाने के बाद हम लोगों ने हर साल 4 से 5 छात्रों की जान भी हमने बचाई है इन सब डिवाइस लगाने के बाद। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इस डिवाइस को लगाने का, तो और लोगों को इस तरह का डिवाइस ज़रूर लगाना चाहिए। डिवाइस लगाना चाहिए। और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या एक ही कंपनी पर लोड नहीं है इसका, ये एक सेंसिटिव इशू है। अगर कोई और डिवाइस बनाना चाहे और डिवाइस तैयार अगर यहाँ अवेलेबल हो जाए तो जल्दी इसको किया जा सकता है, करीब 5 साल का वक्त हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एक चुनौती जो हमारे सामने आ रही है कि वो पेटेंट उसने जो भारत सरकार से करा रखा है, बहुत से सप्लायर यहाँ आए थे, बेंगलोर से भी एक, इंदौर से भी एक सप्लायर आया था, तो हमने भी उनको ये बोला कि एक बार आप पेटेंट करवा लें, अगर यहाँ 3-4 सप्लायर यदि यहाँ पर काम करेंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है हॉस्टल्स की और नए वही हॉस्टल अभी तैयार हो रहे हैं लगातार, तो हम लोग जल्दी से हम लोग उनके साथ में इस काम को पूरा कर पाएंगे। तो जिस तरह से आपको लगता है अब ये अभी और समय लगेगा लगभग पूरे जो है कमरों को कवर करने में? बिल्कुल, 10-12 दिन की वेटिंग चल रही है डिवाइस को ऑर्डर देने के बाद सप्लाई होने के अंदर। तो अब जिस तरह से नए नए हॉस्टल बनते जा रहे हैं शहर के अंदर, अभी भी मैं बात करूं तो लगभग 400 से 500 हॉस्टल लगभग बनने को तैयार हैं, जो 1-2 महीने बाद बच्चों के लिए वो तैयार शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। तो उनके भी लगातार ऑर्डर्स पेंडिंग चल रहे हैं, और बाकी लोगों ने भी कुछ घटनाएं जब घट जाती है तो उसके बाद जब दबाव आता है तो वो लोग भी अपना ऑर्डर सप्लायर को देते हैं। तो कहने की पेंडेंसी तो है इस डिवाइस को लेकर, और यदि और कोई डिवाइस वाला सप्लायर यदि कोटा क्षेत्र में आता है अपना डिवाइस को लेकर, तो हम उसका स्वागत ही करेंगे। बस हम उससे ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो एक बार भारत सरकार से पेटेंट करवा लेगा तो ये हमारे लिए भी इसके अंदर कोई दिक्कत वाला काम नहीं होगा। कोटा में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का पिछले 5 सालों से काम कर रही कंपनी के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अब तक कोटा में सिर्फ 30 से 35 हज़ार कमरों में ही एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए हैं। 50 और कमरे वाली हॉस्टल्स हैं, उनका भी 50% के आसपास कवर हो चुका रहेगा, लेकिन जहां पर 12-15 पंखे हैं पीजी से, उसको अभी कवर करना थोड़ा बाकी है। लेकिन जो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि जितने भी हादसे रिपोर्ट किए गए हैं पंखे से लटक के आत्महत्या के, उसमें से सिर्फ जहां पर हमारी एंटी सुसाइड डिवाइस रॉड नहीं लगी थी वहां पर ही रिपोर्ट हुए है। जहां पर रॉड लगी हुई है वहां तो 1-2 केसेस में पंखे से स्टूडेंट बच भी गया है। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर एक ही कंपनी कोटा में एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाने का काम क्यों कर रही है। बताया जाता है कि डिवाइस पेटेंट करवाया गया है, लेकिन कंपनी की डिवाइस सप्लाई करने की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉनिटरिंग में ढिलाई और कंपनी की ओर से ऑर्डर के बाद 10 से 12 दिन से ज्यादा का वेटिंग का वक्त बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। कोटा में जो प्रतिनिधि कंपनी का काम देख रहे हैं वो बताते हैं कि सिर्फ सुसाइड के मामले सामने आने के बाद ही एंटी हैंगिंग डिवाइस की डिमांड आती है, कुछ दिन बाद वापस हालात वही हो जाते हैं। कोचिंग स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड मामलों के बाद एक बार फिर ये एंटी हैंगिंग डिवाइस जो है इस पर बात की जा रही है कि आखिर क्यों अब तक लापरवाहियां बढ़ती जा रही है, कई सारे हॉस्टल्स और पीजी में अब तक क्यों नहीं लग पा रहे हैं। इस डिवाइस का जो काम है वो एक ही कंपनी के पास है और वो बॉम्बे से संचालित होती है और कोटा में उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह ये काम कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे हॉस्टल्स और पीजी अभी भी जो है वहाँ पर डिवाइस नहीं लगे हैं। तो क्या आप लोगों का कार्य किस तरह से, आपके पास ऑर्डर आते हैं और आप कितने दिन में उसको वो करते हैं? सर, जैसे ये एंटी हैंगिंग सुसाइड रोड है तो ये पंखे के ऊपर लगाई जाती है, तो जैसे ये लगती है उसके बाद इसके ऊपर जैसे 22 से 25 किलो वेट पड़ता है तो ऐसे ब्रेक हो जाती है ना सर, तो इससे क्या होता है वो अटेम्प्ट नहीं कर पाता है सर। ठीक है सर, तो इससे उसकी ज़िंदगी बच जाती है। और ये हॉस्टल पीजी वालों की लापरवाही सर के लोग लगाते नहीं, अभी भी जागरूक नहीं है,
प्रशासन ने गाइडलाइन दे रखी है और जितने भी एसोसिएशन वगैरह हैं जो अपने यहाँ पर एसोसिएशन वगैरह चलती है उन्होंने भी गाइडलाइन दे रखी है तो लगाना कंपलसरी है सर। लेकिन अभी भी आज भी अपन देखते हैं कि अभी एक सुसाइड हाउस के अंदर कुछ सब रूमों में लगी हुई थी, दो रूमों में नहीं लगी हुई थी, तो ये गलती है सर कि सबको अगर लगानी है तो सब रूमों में लगाए जहाँ जहाँ बच्चा रहता है। पहले हॉस्टलों में लगती थी सर, अब उसके बाद पीजीज वगैरह में लगाना भी स्टार्ट हो गया सर, मल्टी वगैरह में भी स्टार्ट हो गया। और हम भी ये चाहते हैं कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट रहे वो प्रशासन भी चाहता है और सभी ये चाहते हैं कि जहाँ स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पे लगी रहे ताकि बच्चा सुसाइड ना कर पाए। जब सुसाइड होते हैं तब आपके पास डिमांड आती है? जब भी सुसाइड होता है तो डिमांड ज़्यादा आ जाती है सर, इसलिए आ जाती है कि वो जैसे जिन्होंने नहीं लगाई और जिसके कम लगी हुई वो सोचता है यार ऐसा नहीं मेरे भी हो जाए, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार वो लोग लगाना है तो लगाना ही ना, उसमें फिर सुसाइड होने के बाद आप डिमांड देते हो तो थोड़ा फिर उसमें क्या दिक्कत आ जाती, फिर हम 7 दिन में तक उनको फिर वो मिल पाता है डिलीवरी। तो अब तक कितने हॉस्टल्स में आप लगा चुके हैं? 50-60% लगा चुके हैं हम लोग, और पीजी में तो अब लगाना स्टार्ट किया और मल्टी में भी अब लगाना स्टार्ट हुआ है। आपको लगता है अभी भी हज़ारों कमरे हैं ऐसे जहाँ पर नहीं है? अभी भी सर ऐसा लगता है कि मतलब फिर भी कुछ हॉस्टल्स या मैक्सिमम पीजी में तो अभी भी बाकी है कि मतलब उसमें लगी भी नहीं, बाकी फिर भी लगा ही रहे हैं, ऑर्डर आ ही रहे हैं। बॉम्बे से हमें बात होती है तो बॉम्बे वाले बताते हैं कि ऑर्डर आ रहे हैं, तो चल तो रहा है सर, प्रशासन की गाइडलाइन फॉलो भी कर रहे हैं। तो कुछ लोग नहीं कर रहे तो अपन चाहते हैं कि सब लोग कम से कम एंगी हैंग डिवाइस लगा लें, जितने भी नॉर्म्स कंडीशन वगैरह होती है गवर्नमेंट की वो सब अप्लाई करें ताकि बच्चे की ज़िंदगी सेफ रहे, मैसेज भी सही जाए। क्या कॉस्ट आती है सर? ये अपना 260+ GST और 300 के विद GST पड़ता है सर। तो करीब 300 रुपये का ये डिवाइस है जिसको लगाने के लिए लगातार जो है केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद जिला प्रशासन द्वारा भी कहा जाता है तमाम हॉस्टल्स और पीजी संचालकों को, लेकिन उसके बावजूद कोटा में अभी भी बहुत बड़ा जो इलाका है, बहुत बड़ा जो हिस्सा है वहाँ पर जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए गए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह की पहल करता है। और एक बड़ी बात यह भी है कि इस डिवाइस को लगाने का काम सिर्फ एक कंपनी के पास है जो बॉम्बे से संचालित होती है, और जब भी ऑर्डर आता है तो उससे 10 से 12 दिन का उनको समय लगता है उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए। बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखना और उनकी सुरक्षा को लेकर किए जा रहे इंतजामों के दावों की ये हकीकत हमने दिखाई है। जरूरत है उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाया जाए। मेरे पीछे जो तस्वीरें दिख रही है ये गगनचुंबी उन हॉस्टल्स की है, और ऐसे हजारों हॉस्टल कोटा में है, लेकिन जो पड़ताल में सामने आया है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन की पालना करवानी है वो पालना जमीन पर नज़र नहीं आ रही है, दावे पूरी तरह से खोखले नज़र आ रहे हैं। अभी भी हज़ारों की तादाद में ऐसे हॉस्टल्स पीजी और उनके कमरे हैं जहां पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगा, तो क्या सरकार जिला प्रशासन अब कोई पहल करेगा या ऐसे ही ये चिराग घरों के बुझते रहेंगे? उम्मीद की जानी चाहिए, NDTV जिस तरह से बता रहा है कि कोटा में फिलहाल आधे से ज़्यादा जो जगह है वहाँ पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाए गए हैं, इस पर गंभीरता से सरकार कदम उठाएगी, जिला प्रशासन इस पर एक अभियान चलाएगा ताकि तमाम जगहों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाए जा सकें और जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उन हादसों पर विराम लग सके। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।